तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो अभी हमने ये बैक्टीरिया की डायग्राम देख लिए थे, बैक्टीरिया की फोटो देख ली थी इमेजेस। इसके बाद हमने एल्गी और प्रोटोजोआ की फोटो देख ली थी, और हमने डिजीज़ भी पढ़ी थी कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती हैं और प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती हैं, और फंगी हमारे फूड को कैसे खराब कर देती है। और लास्ट में हमने वायरस देखे थे जो बिल्कुल देखने में मशीन्स के जैसे लगते हैं, और वायरसेस जो है बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं, इंसान को ही नहीं बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। ठीक है, अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन ये है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जान लिया, लेकिन ये रहते कहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे था, सिंगल सेल्ड हो सकते हैं। हमने सेल के बारे में इसी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बाद में पढ़ेंगे। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्युलर। ठीक है, सिंगल सेल्ड हो सकते हैं किसकी तरह, जैसे एल्गी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, सिंगल सेल में एक ही सेल होती है, और या फिर मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। फंगी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक ही सेल नहीं होती है, जबकि बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ में क्या होता है, एक ही सेल होता है। और ध्यान है ना कि जो है हमारे अमीबा का जो प्रोटोजोआ में था, अमीबा की शेप फिक्स नहीं थी, और हमारा पैरामीशियम की शेप कैसी थी, शू लाइक। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। कहाँ रहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। कितनी अजीब बात है, बहुत ठंडे जहां पे आइस जम रही होती है वहां पे भी रहते हैं, और हॉट स्प्रिंग जहां पे गर्म गर्म पानी निकल रहा होता है गर्म पानी में भी रहते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड। डेजर्ट जहां पे जो है रेत होती है, टू मार्शी लैंड जहां ग्रीन एरिया है, सब जगह रहते हैं, यानी सभी जगह हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये देखो, ये बिल्कुल नई चीज आई। तो कहां मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं, जबकि कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली लाइन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रही कि एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड रहते, अजीब नहीं लग रहा। तो ये ध्यान करो, एक चीज बताता हूँ मैं आज आपको बहुत अच्छी सी, कि हमारे अंदर स्टमक में भी बैक्टीरिया रहते हैं। तो हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया होते हैं वही फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वही बैक्टीरिया फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा नंबर में बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। तो हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया से क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है, तो वो हमारे एक तरीके से हेल्पफुल बैक्टीरिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो एक चीज तो हम देख ली कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। बहुत ठंडे में भी है, बहुत गर्म में भी है, डेजर्ट में भी है, और मार्शी लैंड जो ग्रीन स्पेसिस है उधर भी है, यानी सब जगह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन बॉड हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो अब ये देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, तो हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। इम्पॉर्टेंट कैसे, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नुकसान ही करती हो, वो बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे कैसे बेनिफिशियल होते हैं और कैसे वो हार्मफुल होते हैं या डिजीज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो अब देखते हैं आगे उनके बारे में डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हम देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस में यूज करे जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक। तो अब ये देखो, बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कर्ड ब्रेड और केक नहीं बन सकता। तो सब लोग केक ब्रेड और कर्ड तो खाते ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो हेल्पफुल हो गया। तो ये कैसा, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंडली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। तो एल्कोहल
यानी जो शराब होती है, शराब बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, और अभी से नहीं, हजारों सालों से करा जा रहा है, बहुत सालों से। इवन इंडिया में भी आपने वर्ड सुना ना, सोमरस। सोमरस जब हम कोई सीरियल देखते हैं भगवान वाला, तो उसमें वर्ड आता है ना सोमरस, तो सोमरस एल्कोहली सोमरस होता था, और उसे किससे बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसा नहीं कि एल्कोहल कोई नई चीज है, शराब कोई नई चीज है, शराब हजारों साल से इंसान यूज कर रहे हैं, और वो किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और क्या क्या बनता है, कर्ड, ब्रेड और केक, ये भी बनता है उससे। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। देखो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को क्लीन भी करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल्स है उन्हें खा के क्लीन कर देते हैं एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, हमने कंपोस्ट बनाई थी ना, तो वो ही बात है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसीज एक्स्ट्रा, ये किस चीज से क्लीन करे थे हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट चैप्टर में हमने उसमें वेस्ट वाटर स्टोरी में भी पढ़ा था कि वेस्ट वाटर कैसे क्लीन होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल एंड हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंसेस बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इन सबको क्या कर देते हैं, यूज। तो ये चीज नोट कर लो कि कैसे कैसे करते हैं ये हेल्प। पहली बात तो ये आप ये नोट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, जो चीजें मैं रेड से अंडरलाइन करता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, वो आप लोग लिख लिया करो। तो किस चीज में हेल्प करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, और एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारी किस चीज में ये हेल्प करते हैं, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। कैसे, ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसीज एक्सेट्रा, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। तो इन्हें इसमें ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। रिकॉल, अब इसके बाद हमने क्या रिकॉल करना है, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कुछ सारी मेडिसिन भी बनाई जाती है इससे, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दालों में रहते हैं, दालों में रहते हैं, वो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को फिक्स कर देते हैं बाई फिक्सिंग द नाइट्रोजन। हमने एक्टिविटी डिस्कस करी थी ना, जब पहले किसान जो है एक पहले एक सीरियल की फसल, फिर एक दाल, फिर सीरियल, फिर दाल करके करते थे, लेकिन अभी किसान उसमें क्या डाल देते हैं, फर्टिलाइजर डाल के उसे बार बार फसल करते हैं, लेकिन उससे क्या होती है कि जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाई बैक्टीरिया। तो इतना तो हमने पढ़ लिया है कि मिल्क जो है, मिल्क से कर्ड बैक्टीरिया से बनती है। तो ये देखो पहेली यहाँ पे कुछ बता रही है, पहेली कह रही है, आई सॉ माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मम्मी जब भी कर्ड को जो है वो सेट करती हैं, तो पिछले दिन की थोड़ी सी कर्ड, एक चम्मच कर्ड, नॉर्मल कर्ड लेके उसे गर्म दूध में मिलाती हैं। ऐसा नहीं है कि दूध ऑटोमेटिकली कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा वो क्यों करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि कर्ड में कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, तो कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, देखो इसका नाम नोट कर लो, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड में एक नहीं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो आप यहां देखो वर्ड लिखा है बैक्टीरियम, यहां वर्ड लिखा है बैक्टीरियम, तो हमें बैक्टीरिया तो पता है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वर्ड क्या है, वर्ड एक्चुअल में बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम, और बैक्टीरियम वर्ल्ड का, बैक्टीरियम जैसे ये वर्ड लिखा, वर्ड बैक्टीरियम होता है। और जब इसको प्लूरल कर देते हैं, प्लूरल, जैसे आप सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, जैसे मैंगो का मैंगोज, तो बैक्टीरियम का जब प्लूरल हम कर देते हैं, बैक्टीरियम का जब प्लूरल करते हैं, तो बैक्टीरियम के प्लूरल को ही बैक्टीरिया बोलते हैं। जब एक बैक्टीरिया होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो उसे बैक्टीरियम बोलते हैं, जब बहुत टाइप के होते हैं तो उन्हें बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है।